हेलो क्लास, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रैक्टिकल क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. इन द नेक्स्ट क्लासेस वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप. इन दिस क्वेश्चन when the amount of goodwill is only given in adjustment, we know that when we make adjustment in capital, the two important concepts should be considered before solving the questions. That is how much new partner bring with capital and bring with amount in form of capital and goodwill. On the basis of this, we can calculate the old partner's capital. And on the basis of this, we can easily make a journal entry and the balance sheet. Here is a balance sheet is given. New partner is old partner is ABC and their ratio is given 6, 14, 5 and 3. That means 6 ratio, 5 ratio, 3 ratio. That is the old ratio of partner A, B and C. And the question is given, D take partnership. D is a new partner in the partnership firm and they bring with capital 7,000 and 4,200 as a goodwill. Furniture is depreciated 12%, stock is depreciated 10%, reserve of 5% be created for doubtful debts. And the value of landlord and building appreciated up to the 31st, 3100. So it means that in the balance sheet, the amount of the land and goodwill is given 24,000 and that will appreciate 31,000. Iska matlab ki price jo hai pehle se badh gayi hai. Jo depreciate kitne percent karega uska hum utna minus karke uska percentage utna nikal karke minus karke nikal denge. After making the above adjustment, the capital account of the old partner who continue to share in the name of proportion and as before be adjusted on the basis of the proportion of D's capital. यहाँ पर बोल दिया गया है जो हमारे old partners के capital होंगे वो उसी हिसाब से adjust करे जाएंगे जैसे कि जितना कि वो हमारा new partner लेकर के आ रहा है. Actual cash to be paid off. तो यहाँ पर क्या चीज़ है, prepare necessary journal, ledger book एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म. यहाँ पर हमें लेजर बुक प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. तो इसमें पूरी लेजर बुक नहीं प्रिपेयर करेंगे, एक दो चैप्टर भी दिखा देंगे, उसके बेसिस पर आप लोग खुद सॉल्व करिएगा. तो पहली चीज़ इसमें क्या कह रहा है कि कितना लेकर के ओल्ड न्यू पार्टनर लेकर के आ रहा है, 1/8 शेयर्स. और इसका हम लोग निकाल लेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स का, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसको निकालना जानते हैं किस हिसाब से निकालना है, किस तरह से निकालना है. तो वो आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी एंड डी का 5:6, 5:6, 5:3:2 एंड फॉर. इसका दो मेथड है, तो इसमें से दोनों में से जो मेथड ईजी होगा उसको फॉलो करेंगे, मगर हम जो अल्टरनेटिव मेथड उसको फॉलो करेंगे. फिर डी जो अपने साथ कैपिटल कितना प्रॉफिट में अपना शेयर लेकर के आ रहा है, 1/8, डैट अमाउंट इज 7,000 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब इसमें क्या करना है, हमको इस न्यू पार्टनर के कैपिटल से पूरे फर्म के टोटल कैपिटल निकालना है. तो उसमें से क्या करें, रेसिप्रोकल कर देंगे. जो हमारा न्यू पार्टनर लेकर के आएगा जितना, जैसे इसमें 7,000 लेकर के आया है, 1/8 उसका शेयर था, तो 1/8 का रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज़ अ 8, तो 7/8 सा 56,000 जो है टोटल फर्म की कैपिटल हो गई है. अब इसमें से 76,000 में 700 माइनस करेंगे, मतलब ये न्यू पार्टनर का कैपिटल हट गया है. अब कितना बचा, 49,000. ये 49,000 जो है हमारे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिससे कि देखो तो हर एक उसमें दिया होता है कि इतना कैपिटल लेकर के आ रहे हैं, मगर यहाँ पर हमको कैपिटल ही में हमें एडजस्टमेंट करना है, मतलब जो हमारे बैलेंस शीट में दिया गया था उससे जो है हमको एडजस्ट करना है कि रियल में क्या होगी. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो चीज़ एप्रिशिएट होगा वो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड. जो डिप्रिशिएट हुई होगी जो अमाउंट
को लिखेंगे डेबिट साइड। तो यहाँ पे सारे चीज़ डिप्रिशिएशन ही लिखा हुआ है। बिल्डिंग के फॉर्म में 7,000 रुपये क्या है, अप्रिशिएट हुई है। देखो 24,000 है, 31,000 है, तो 7,000 अप्रिशिएट हुई है। और फिर उसके बाद सारे अमाउंट जो डिप्रिशिएट जितना जितना हुआ उसको इधर लिख दिया गया, बैलेंसिंग किया गया, तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 4,550। ये जो हमारे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब एक अगर हम कैपिटल करें तो एक मतलब कि एक कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाए तो उसमें आएगा, हम लोग जानते हैं कैपिटल अकाउंट किस हिसाब से प्रिपेयर किया जाए, जितना भी प्रीमियम और प्रॉफिट्स होता है। कैपिटल अकाउंट जस्ट लाइक अ लायबिलिटी, क्रेडिट होता है, जितने भी इनकम और प्रॉफिट होगा वो हम क्रेडिट साइड करेंगे, जितना भी बैलेंसिंग और पेड होगा वो हम डेबिट साइड करते हैं। तो यहाँ पर प्रीमियम अकाउंट क्या है, प्रीमियम उसको मिल रहा है 1800। यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे जो कैपिटल, एक कैपिटल निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा कितना लेकर के, वो आ रहा 19,000। 19,000 कहाँ दिया हुआ है, जो हमारे बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिया होगा वो लिखेंगे, प्लस 1950 रुपये एक का जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से उसको लिखा गया, 1800 रुपये प्रीमियम मिल रहा है वो लिखा गया, कैश अकाउंट में कितने, कैश के फॉर्म में 1750 रुपये, बैलेंसिंग कर देंगे 21,000 करके उसको बैलेंसिंग किया जाएगा। इसी तरह से उसका जो बैलेंस शीट तैयार करेंगे न्यू फॉर्म का, इस ए बी सी तीनों का, तो यहाँ पे कैश जो है, अगर यहाँ पे देखें क्वेश्चन में कैश कितना दिया था, 9,900 दिया था, तो कैश इंक्रीज हुई है, कितनी कैश इंक्रीज हुई है, 9,350 रुपये इंक्रीज हुई है। डेटर्स का अमाउंट इतना था, बैड डेट्स मिला तो डिडक्ट करके लिखेंगे, स्टॉक डिक्रीज हुई है इसलिए इधर लिखा गया, वैसे भी स्टॉक जो है इन साइड ही लिखा जाता है, फर्नीचर इधर लिखेंगे, लैंड और बिल्डिंग कितना अप्रिशिएट होने पर 3100 रुपये, मतलब कितना अगर डिप्रिशिएट होने के बाद जो अमाउंट लिखा है वही लिखा जाएगा, अप्रिशिएट होने के बाद कितना हो गया वो लिखा जाएगा, एक्चुअल लिखा जाएगा, ये नहीं पुराना ही लिख दिया जाए। क्रेडिटर अमाउंट ये होगा, बिल्स पे भी लिया हो। और फिर उसके बाद जो ए बी सी डी का जितना भी कैपिटल हो रहा है, ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी सी ये हमारा बैलेंस मतलब कैपिटल अब इसका इतना हुआ है। अगर हम इसके उसमें जाते हैं, देखो इसमें क्या है, ए का 19,000 है, अब क्या हो रहा है 21,000, मतलब बढ़ गया है। बी का क्या 16,000 है, अब क्या 17,000। सी का क्या 8,000 है, अब है 10,000। तो ये अमाउंट लिखा जाएगा, प्लस डी अपना कैपिटल लेकर क्या है 7,000, तो उन्हें तो बैलेंसिंग कर देंगे जिससे कि आंसर मिल जाएगा। अब ये लास्ट चैप्टर था, अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट एंड डेट ऑफ पार्टनर, तो उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज अलग होगी, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को फोकस किस पॉइंट पर करना है, जब न्यू पार्टनर एडमिटेड होते हैं तो उससे गुडविल और उससे कैपिटल, इन दोनों से रिलेटेड जनरल एंट्री आती है, इन दोनों से ही रिलेटेड सारे कैलकुलेशन होते हैं। तीसरे इसमें फोकस करना है एडजस्टमेंट एंट्री, जो भी हमारा रिवैल्यूएशन एंट्रीज है, कब हमें डेबिट किधर हमको अप्रिशिएट अमाउंट लिखना है, किधर डिप्रिशिएट अमाउंट लिखना है, गुडविल विड्रॉ हो रही है कि नहीं हो रही, ये सारी चीज़ों को देख करके काम करेंगे तो मेरा आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसकी कैलकुलेशन जो चैप्टर फर्स्ट में दिया गया है उसको एक बार यहाँ पर रिवाइज ज़रूर करेंगे कि किस हिसाब से क्या करना है, फिर उसके बाद नया चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।